प्रदेश में 1 जून को अब लोकसभा चुनाव के सातवें चरण की वोटिंग है। उत्तर प्रदेश में सातवें चरण में 13 सीट पर वोट डाले जाएंगे। ये सीटें हैं वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, चंदौली, घोसी, गाजीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया और रॉबर्ट्सगंज। 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार इन सीटों पर इंडिया गठबंधन की लड़ाई उतनी आसान भी नहीं है। अगर विपक्षी दल को अपनी सीटें बढ़ानी है तो उन्हें कम से कम 15% वोट अपने पक्ष में बढ़ाना होगा, जो बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। पिछले चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था जो बीजेपी के सामने बेहद मजबूत था, बावजूद इसके विपक्ष को तब 2 ही सीटें मिल पाई थी। इस बार तो बीएसपी भी साथ नहीं है और कांग्रेस की संगठन भी जमीन पर उतनी मजबूत है नहीं। दूसरी तरफ एनडीए का जातीय समीकरण बेहद मजबूत है। पूर्वांचल में बीजेपी के साथ राजभर, चौहान, निषाद, गैर यादव, ओबीसी समाज के लोग साथ में दिखाई देते हैं। ओम प्रकाश राजभर, अपना दल सोनीलाल और निषाद पार्टी एकजुट होकर एनडीए को मजबूत करने में जुटी हुई है। पिछले चुनाव में बीजेपी को औसतन 52.11% वोट मिले और विपक्ष के खाते में 37.43% वोट ही मिल पाए थे। तो यह आखिरी चरण की लड़ाई है। 13 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की हैं सातवें चरण में, जिसमें यहां पर विपक्ष के लिए आसान नहीं है ये फाइट। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी जातीय आधार वाले दलों के साथ हाथ मिलाकर सियासी समीकरण दुरुस्त करने की दाव जो चला है, वो पीएम मोदी खुद काशी के रण क्षेत्र में हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हुए हैं। तो सीएम का गृह जनपद गोरखपुर है। बीजेपी अपने दिग्गज चेहरों के साथ सहयोगी दलों की भी जमीन पर खिंचाएगी। मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज से अपना दल एस चुनाव लड़ रही है। वहीं घोसी में सुभाषपुर प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को चुनाव लड़ा रहे हैं। ऐसे में देखना है कि जातीय विषाद पर खड़ी पूर्वांचल की सियासी जमीन पर किसका पड़ा भारी रहता है। पूर्वांचल की सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। माना जाता है कि इस पूरे इलाके में करीब 50% से ज्यादा ओबीसी वोट बैंक जिस भी पार्टी के खाते में गया, जीत उसकी तय हुई है। 2017-2022 के विधानसभा और 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पिछड़ा वर्ग का अच्छा समर्थन मिला। नतीजतन केंद्र राज्य की सत्ता पर मजबूती से काबिज हुई। ऐसे में बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियां ओबीसी वोटों का साधने के लिए तमाम जतन इस बार की हैं। ऐसे में बसपा ने भी पूर्वांचल के सियासी समीकरण को देखकर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और आइए हमारे संवाददाता से जानते हैं कि क्या है हॉट सीट। वाराणसी, गोरखपुर, घोसी, गाजीपुर, मिर्जापुर की फाइट। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से और नितिन गोस्वामी हमारे साथ चंदौली से जुड़ रहे हैं। उनसे हम तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे और तमाम चीज़ों को बड़ी बारीकी के साथ समझेंगे। उपेंद्र, क्योंकि पूर्वांचल के सियासी नब्स को बड़े करीब से समझते हैं, कई सालों से वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों को बड़े करीब से उन्होंने कवर किया है। कई लोकसभा के, कई विधानसभा के चुनाव वो बतौर पत्रकार कवर कर चुके हैं। सीधे उपेंद्र के पास सबसे पहले रुख करते हैं। उपेंद्र, जिन 13 सीटों पर आखिरी चरण में मतदान होना है, पूर्वांचल की ये पूरी बेल्ट है, किस तरीके के समीकरण हैं, कौन कौन से मुद्दे प्रभावी लग रहे हैं और जिस तरीके से विपक्ष और तमाम इंडी गठबंधन के नेता दावे करते हैं, ऐसे में आप ग्राउंड पर क्या रियलिटीज देख रहे हैं? देखिए, ग्राउंड पर साफ तौर पर अनुपम 2-3 बड़ी बातें हैं। पहली बात ये कि ये पूर्वांचल के उस क्षेत्र में अब ये चुनाव होने जा रहा है 1 जून को, जहां पर एनडीए का कुनबा लड़ रहा है, यानी कि भाजपा के साथ एनडीए का पूरा कुनबा है। जैसा आपने कहा, अपना दल एस हो या फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा हो, तो अब यहां पर एक परीक्षा ये होगी कि क्या सुभाषपा और अपना दल एस अपनी परफॉर्मेंस दोहरा पाएंगे या नहीं दोहरा पाएंगे। घोसी सीट की अगर हम एग्जाम्पल लें तो घोसी सीट पर जो उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, उस पर हार हुई थी और उस पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते थे। तो क्या उपचुनाव का नतीजा अलग होता है, उपचुनाव का माहौल अलग होता है, लोकसभा चुनाव का माहौल अलग होता है, ये सवाल
बेहद लाजमी है और ये बिल्कुल सत्य है कि उपचुनाव जैसा माहौल नहीं है, लोकसभा चुनाव के अलग मुद्दे हैं। दूसरी बात कि जिस तरीके से रॉबर्टगंज सोनभद्र की सीट आप देखिए तो वहां पर प्रत्याशी इस बार बदला है अपना दल एस ने, तो क्या प्रत्याशी बदलने के साथ उनका जो फार्मूला है वो हिट हो पाएगा, ये देखना होगा। गाजीपुर में ये देखना होगा कि जिस तरीके से ये सीट, इस सीट पर बीजेपी ने पारसनाथ राय के रूप में नए प्रत्याशी को उतारा है, तो क्या वो वहां का जो जातीय गोलबंदी है उस गोलबंदी को तोड़ पाएंगे या फिर एक बार फिर गाजीपुर का नतीजा वही होगा जो पिछले चुनाव में होगा, क्योंकि इस बार संगठन वहां बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। वाराणसी के बारे में कुछ भी कहना अब मुझे लगता है कि दर्शक समझते हैं, तो वाराणसी की तो यहां पर चर्चा अब दूसरे मायनों में होने लगी है। अगर हम दूसरी सीट की बात करें चंदौली से खुद जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे वो तीसरी बार मैदान पर हैं और लेकिन उनके पास तमाम सारी उनकी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत यह है कि जो चंदौली सीट है उस पर खुद वाराणसी के दो विधानसभा शिवपुर और असगराब दो आती हैं और ये दोनों सीटों पर वाराणसी का बहुत प्रभाव है, वाराणसी में विकास की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका बहुत प्रभाव है, तो ये उनकी ताकत है। लेकिन जो चंदौली में जिस तरीके से जातीय गोलबंदी हुई है, नए जातीय समीकरण उभर के आए हैं, तो ये देखना होगा कि क्या महेंद्रनाथ पांडे उन जातीय समीकरणों को तोड़ पाएंगे, चूंकि वहां पर एनडीए गठबंधन लड़ रहा है उपेंद्र। लेकिन अगर मिर्जापुर की बात की जाए, मैं रोक रहा हूं आपको, जाहिर तौर पर मिर्जापुर की अगर बात करें तो जिस तरीके से मिर्जापुर के समीकरणों में कई ऐसे फैक्टर हैं जो इस पूरे मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, राजा भैया का भी नाम निकलकर सामने आया कि वो भी प्रचार करने के लिए वहाँ पर जा सकते हैं, कई फैक्टर्स जो है वो दोनों ही पार्टियों के लिए अलग अलग फैक्टर्स पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी बताए जा रहे हैं, ग्राउंड क्या कह रहा है? देखिए मिर्ज़ापुर जाहिर तौर पर जो कुर्मी बाहुल ये सीट है और इसीलिए अपना दल एस की जो अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने मिर्ज़ापुर सीट को चुना था, दो बार वो जीती भी। लेकिन वहाँ पर अगर हम पटेल कुर्मी वोट के बाद बात कर लें, जैसा कि आप कह रहे थे ओबीसी वोट है तो उसमें सबसे पहले पटेल वोट है और उसके बाद बिंद भी बड़ी संख्या में है, तो क्या वहाँ पर जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी है उसने बीजेपी के ही नेता को वहाँ पर प्रत्याशी बनाया है, तो क्या वहाँ पर समीकरण बदल पाएगी समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन, या फिर जिस तरीके से भाजपा ने मिर्जापुर से सटी हुई जो सीट है भदोही वहाँ पर अपने ही एक विधायक को सांसद के टिकट दिया, तो क्या वो उसका असर मिर्जापुर की सीट पे पड़ेगा, क्योंकि मिर्जापुर और भदोही बिल्कुल अगल बगल की सीटें हैं, तमाम सारे गांव हैं जहां पर। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, मैं आऊंगा अभी आपके पास आके और भी बातचीत करेंगे। एक बार रुक करते हैं चंदौली का, नितिन गोस्वामी वहां से हमारे साथ हैं, तो चंदौली और आसपास के क्षेत्र की बड़ी सियासी उठापटक को भी देखते रहते हैं। नितिन बताइए क्या तस्वीर आप इस बार चंदौली में देख रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं आसपास और कैसे इस बार के दंगल के गणित को समझा जाए? देखिए दंगल के गणित की बात करेंगे तो राजनीतिक दल जो तमाम यहाँ पर चुनाव में लड़ रहे हैं उन्होंने सबसे पहले जातीय आधार बनाए हैं। आपको बता दें चंदौली की बात किया जाए तो यहाँ से बड़े ब्राह्मण चेहरे जो पूर्वांचल में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और देश के भारी उद्योग मंत्री हैं, महेंद्र नाथ पांडे को यहाँ तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे वीरेंद्र सिंह को समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है। खास बात यह है कि चंदौली में क्षत्रिय मतदाताओं का खासा असर रहता है, शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने इंडी गठबंधन की तरफ से वीरेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन फिर वही बात, जब चुनावी गणित की आती है तो ये महत्वपूर्ण होगा देखना कि गैर यादव ओबीसी का जो एक बड़ा मतों का एक जो संग्रह है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है, साथ ही दलित वोटरों में पासवान और कुशवाहा ऐसे वोटर हैं जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो दलित वोटरों में सेंधमारी करते हुए और साथ में 2.5 लाख के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं तो इनको आधार बनाते हुए और गैर यादव ओबीसी जो मत हैं उनको आधार बनाते हुए एक जातीय समीकरण भाजपा ने बनाया है। और पिछली बार का जब इलेक्शन की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, इस बार बहुजन समाज पार्टी ने सत्येंद्र मौर्या मतों को साधने के लिए एक मौर्य कैंडिडेट यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा।
लड़ाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जाति आधार पर आगे जरूर दिख रहे हैं, लेकिन यह फैसला 4 तारीख को आएगा जब गिनती होगी और 1 तारीख को जब मत पड़ेंगे, उसके पहले अभी 6 से 7 दिन हैं और तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी गणित साधने में जरूर लगे हुए हैं। हाँ नित्य, लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र बता रहे थे कि जो असर है वाराणसी में जो वाइब्स हैं उसका कहीं ना कहीं असर चंदौली की सीट पर भी पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा कुछ होता हुआ दिखाई देगा? नहीं, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से सटी हुई सीट है चंदौली, और आपको बता दें 2 विधानसभा इस लोकसभा क्षेत्र की अजगरा और शिवपुर वाराणसी से आती है, और शायद यही वजह है कि पिछले इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मार्जिन लेके बनारस से आई थी और चंदौली की 3 विधानसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी को भी मत मिले थे, यहाँ भी सीट जीती, तो 10 से 12 हजार से पिछले इलेक्शन में ये भारतीय जनता पार्टी विजय तब हुई थी जब सपा और बसपा साथ मिलकर लड़ ली थी। अब बसपा का कैंडिडेट भी है और साथ में इंडी गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र सिंह मैदान में, ऐसे में चंदौली को निश्चित तौर पर लाभ होता इसलिए दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सामने आ रहे हैं। एक ये कि चूंकि प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी से सटी हुई यह सीट है, और दूसरी जो गैर यादव ओबीसी के जो मत हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान जरूर दिख रहा है, ये जो तमाम सर्वे हुए हैं, और साथ साथ जब हम लोगों ने मतदाताओं से बात की है तो गैर यादव जो ओबीसी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, साथ ही दलित जो वोटर्स हैं उसमें पासवान और कुशवाहा ये जो वोटर्स हैं इनकी भी संख्या करीब 1 लाख के करीब है, और वो कहीं ना कहीं तमाम बड़े नेता जो चंदौली के हैं कुशवाहा और पासवान बिरादरी के, वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पे देखे जा रहे हैं। तो ये एक चुनावी गणित जरूर उभर के सामने आई है, लेकिन सीधी लड़ाई की बात किया जाए तो चंदौली और आसपास के जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर भाजपा और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। बिल्कुल नितिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उपेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए और तमाम पहलुओं पर बड़े विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो 13 सीटों का ये दंगल है, इसमें कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, वाराणसी, घोसी, गोरखपुर, गाजीपुर और मिर्ज़ापुर, और ऐसे में जनता को इन सब का फैसला करना है कि इस बार वो 1 तारीख को जब अपने मत का इस्तेमाल करेगी तो किसको चुनती है। ये खास कवरेज लगातार जारी